हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिताज किचन कॉर्नर। तो कैसे हो आप सब? तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी, जिसके लिए ये यहाँ पे मैंने दो प्याज लिया है, ये धनिया है, ये लहसुन है और ये तीन टमाटर लिए हैं। ठीक है, चैनल पर आप सब नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते ना हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने टमाटर को वॉश कर दिया है, अब सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे, इस तरह से हाफ कट कर देंगे। तो बस आप देख लो, टमाटर कट हो चुके हैं। गैस चालू कर देंगे, फिर ये कढ़ाई ले लेंगे। आप नॉनस्टिक के स्टील की कोई भी ले सकते हो। फिर इसके अंदर हम तेल डाल देंगे। फिर हम जो सारे टमाटर है वो भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम एकदम मीडियम कर देंगे। इस तरह से, और बीच में ये लहसुन भी डाल देंगे और इसे ढक देंगे 10 मिनट तक। टमाटर हमारे पक रहे हैं, तब तक हम ये प्याज कट कर लेते हैं। प्याज के छिलके निकाल दिए हैं, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इस जार के अंदर डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से चॉप हो जाए। फिर ढक्कन लगा देंगे। प्याज हमारी कट हो चुकी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे और धनिया को कट कर लेंगे बारीक बारीक। अब हम इसको भी साइड में कर लेंगे और मिर्ची को भी अच्छी तरह से कट कर लेंगे। मिर्ची भी हमारी कट हो चुकी है, हम चेक कर लेंगे, एक तरफ से पक चुकी है। अब हम इसे उल्टा देंगे। अब हम फिर से उसे ढक देंगे। टमाटर हमारे पक चुके हैं, गैस बंद कर देंगे और इसके छिलके निकाल देंगे। इस तरह टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। लहसुन भी अच्छी तरह से पक गया है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, अब हम इसे डिश में निकाल देंगे। डिश में हमने निकाल दिया है टमाटर की प्यूरी। पहले हम प्याज डालेंगे।
फिर ये हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी और डाल दूंगी, और चम्मच भर के धनिया पाउडर, फिर थोड़ा नींबू का रस, और फिर लास्ट में धनिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू।